चलो भाई, 23 जुलाई के करंट अफेयर्स देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से और काफ़ी सारे सोर्सेज से, तो जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, स्पेशली अभी MTS का एग्जाम आ रहा है तो उसमें आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो पहले देख लो, चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया कल ये 22 जुलाई को, और 2:43 पर लॉन्च हुआ था कल ये। अगर आपने देखी होगी इसकी टेक ऑफ तो आप मतलब खुश हुए होगा बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से स्मूथ इसने टेक ऑफ लिया। GSLV Mark 3 रॉकेट से इसको लॉन्च करा गया, जो कि इसरो का सबसे बेस्ट रॉकेट है, सबसे हैवी सैटेलाइट को ये छोड़ सकता है स्पेस के बाहर, और 7 सितंबर को मून पे लैंड कर जाएगा चंद्रयान 2। अब इसमें दो मेन चीज होंगी, ये दोनों आप देख लो। तो जब ये चांद पे उतरेगा तो एक होगा लैंडर, एक होगा रोवर। तो लैंडर तो वो होगा जिसमें रोवर रखा जाएगा, क्योंकि रोवर को डायरेक्ट नहीं उतार सकते क्योंकि रोवर टूट जाएगा डायरेक्ट उतारेंगे तो हम उतारेंगे इसको, विक्रम उतरेगा पहले, विक्रम में से रोवर निकलेगा प्रज्ञान। तो दोनों का नाम याद रखना है आपको। अगला, नासा ने पहली वुमेन भेजेगा नासा चांद पे। तो पहली वुमेन कौन भेजेगा चांद पे, टिक करोगे नासा, और प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम, और जो आर्टेमिस है यह है गॉडेस ऑफ मून, चांद की भगवान, यह है आर्टेमिस। तो आप भी इनको मतलब मिला पा रहे होगा कि पहली लड़की जा रही है चांद पे जा रही है, और गॉडेस है चांद की, फीमेल है चांद है, फीमेल है चांद है, इसको आराम से आप लिंक कर पाएंगे। तो धोनी 2 महीने ट्रेनिंग करेंगे पैराशूट रेजिमेंट के साथ, क्योंकि 2 महीने उन्होंने क्रिकेट से छुट्टी ले ली है, तो किससे ट्रेनिंग करेंगे, पैराशूट रेजिमेंट से ट्रेनिंग करेंगे। और धोनी को आपको एक बात पता होगी कि धोनी आर्मी में क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे है धोनी, 106 पैरा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में, तो ये भी आ सकती है कौन सी बटालियन में वो हैं। अब अगले देख लो, पी वी सिंधु सिल्वर मेडल जीत गई है इंडोनेशियन ओपन में, और इनसे हार गई है अकाने यामागुची जो जापान के, इन्होंने पी वी सिंधु को हरा दिया। पी वी सिंधु का थोड़ा अभी सूखा चल रहा है मेडल में, क्योंकि बस थोड़ा फाइनल में जाके हार रही है इनसे भी, मतलब लगातार 2 सेट में हार गई, 21-16 21-15 के आसपास से हार गई। तो वो कहाँ पे रही थी, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, इंडोनेशिया करेंसी क्या है, रुपया। अगला देख लो, एस सोमिया, तो इनको संगीत कालिंदी अवार्ड मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा संगीत कालिंदी अवार्ड किसको मिलेगा, टिक करोगे एस सोमिया। अगला, एयर इंडिया ने अपने प्रमोशन बंद कर दिए, तो क्वेश्चन आएगा किस कौन सी एयरलाइन कंपनी ने अपने प्रमोशन बंद करे, आप टिक करोगे एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सरकार ने कही कि आप ऐसे माइनस में चल रहे हो, आपको अपना कमर्शियल करने का कोई हक नहीं है, और आप अब सिर्फ जितना कम में हो सके उतना कम में बिल्कुल काम करो और हमें मुनाफा कमा के दो। नेक्स्ट देखो, अपोलो 11 मिशन की 50वीं वर्षगांठ हो गई 20 जुलाई 2019 को। तो 50 साल पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पे कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग तो सबको याद रहता है, बज एल्ड्रिन आपको याद रखना है, और कौन से उसमें गए थे, जो भी इनका मॉड्यूल था उसका नाम था ईगल, जो जैसे हमारा भी जाएगा, हमारे उस वाले का नाम देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखो विक्रम, तो जैसे हमारा विक्रम था ऐसे इनका क्या था, ईगल। नेक्स्ट देखो, रामचंद्र पासवान, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर थे, इनकी डेथ हो गई है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि रामचंद्र पासवान कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे जिनकी डेथ हुई, तो टिक करोगे LJP, समस्तीपुर बिहार से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, रविंद्र कुमार मलिक, ये मिस्टर साउथ एशिया बन गए हैं, और काठमांडू में ये चल रही थी 12th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, इसमें ये जीते हैं। आ सकता है क्वेश्चन, रविंद्र कुमार मलिक कौन से खेल से रिलेटेड है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। PMKSNY प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता होगा हर किसान को 6,000 रुपये मोदी ने देने की क्या नाम है कही थी, कि हम हर किसान को 6,000 रुपये देंगे, तो उसमें से पहली 2,000 रुपये की किस्त जा चुकी 7.32 करोड़ फैमिली को, जिसमें से यूपी टॉप पे है क्योंकि यूपी में 2.2 करोड़ को मिल गई है। तो सबसे ज़्यादा कौन से किसानों को मिली है, यूपी के किसानों को मिली है। अब ये थोड़े नाम है, इनको सिर्फ आपको रट लेना है, एक तरीके से घोल के पी जाना है। डी राजा जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। अगला, अजय भाडू ये बन गए ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है अभी, रामनाथ कोविंद। अगला, 20,000 वेलनेस सेंटर इसी साल सरकार कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो और 2025 तक सरकार को TB बिल्कुल ख़त्म करनी है इंडिया से। तो TB की वैक्सीन का नाम अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब आज देख लो आज की वोकैबलरी, तो वोकैबलरी 4 है। पहली, एडवर्सरी का मतलब होता है राइवल, शत्रु। दूसरा, पर्टिनेंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, जो कि सही बात हो।
अगला इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है जताना या फिर डिस्प्ले करना, और लास्ट है ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब सरपास। इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल ट्रांसेंड मी, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो आप तुम मुझे भी सरप्राइज कर दोगे, सरपास कर दोगे। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना। बाय बाय।